झारखंड में सियासी सस्पेंस खत्म। चंपई सोरेन आज लेंगे सीएम पद की शपथ। 10 दिन में साबित करना होगा बहुमत। गवर्नर को दिखाया था 43 विधायकों के साथ होने का वीडियो। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन को चुना गया था जेएमएम विधायक दल का नेता। खराब मौसम की वजह से विधायकों के हैदराबाद जाने वाली चार्टर फ्लाइट रद्द हुई थी। 24 घंटे से चल रहा था हाई वोल्टेज ड्रामा। फ्लाइट रद्द होने के बाद वापस रांची के सर्किट हाउस लौटे थे विधायक। ईडी ने जमीन घोटाले में लंबी पूछताछ के बाद किया था हेमंत सोरेन को गिरफ्तार। सोरेन ने दी है गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका। आज हेमंत सोरेन की ईडी रिमांड पे पीएमएलए कोर्ट सुनाएगा अपना सुरक्षित फैसला। ईडी के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 10:30 बजे आ सकता है फैसला। आज दोपहर 1:30 बजे रांची में बीजेपी विधायक दल की हो सकती है बैठक। झारखंड के हालात पे बीजेपी बनाए हुए है लगातार नजर। जयराम रमेश का बयान, प्रधानमंत्री मोदी के दो भाई हैं ईडी और सीबीआई। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का बदले की राजनीति में भरोसा। आज इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक होगी जिसमें बजट सत्र के दौरान रणनीति पर चर्चा होगी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के फैसले के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के सामने आपका प्रदर्शन। केजरीवाल मान भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में 31 साल बाद फिर से शुरू हुई पूजा आरती। गुरुवार रात 12 बजे भारी प्रशासन की मौजूदगी में बैरिकेडिंग खोलकर बनाया गया तहखाने का रास्ता। व्यासी तहखाने में पूजा पाठ का समय जारी। रोजाना 5 बार होगा पूजा और आरती का समय। सुबह 3:30 बजे मंगला आरती, रात 10:30 बजे शयन आरती। व्यासी तहखाने में पूजा के अधिकार के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की याचिका। निचली अदालत ने फैसले को दी चुनौती। मुस्लिम पक्ष ने अदालत में 15 दिन की मांगी मोहलत। याचिका में 15 दिन तक आदेश लागू न करवाने की अपील। यूपी के कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार ने सुरक्षा का भरोसा दिया। कहा, वाराणसी में पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स मौजूद। कानून व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पेश किया अंतरिम बजट। इनकम टैक्स स्लैब में नहीं किया कोई बदलाव। मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं। कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ। देश में बनाई गई 3000 नई आईटीआई। उच्च शिक्षा के लिए 7 IIT, 7 IIM, 15 एम्स और 390 यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई। वित्त मंत्री ने 58 मिनट तक पेश किया बजट। कहा, हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा। सरकार ने लोक लुभावन घोषणाएं से परहेज किया। अंतरिम बजट पे बोले प्रधानमंत्री मोदी से 4 स्तंभ, युवा, महिला, किसान और गरीबों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस बजट से विकसित भारत की नींव होगी और मजबूत। वित्त मंत्री को दी बधाई। बजट को लेकर जेपी नड्डा ने कहा, सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। विकास को घर घर पहुंचाने की कोशिश। बजट को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शानदार बताया। कहा, इससे भारत को आर्थिक सुपर पावर बनने में मदद मिलेगी। इसमें समावेशी विकास का स्पष्ट रोडमैप। बजट पे कांग्रेस सांसद शशि थरूर की प्रतिक्रिया। कहा, बजट भाषण छोटा और निराशाजनक दोनों था। अखिलेश यादव ने इसे बताया बीजेपी का विदाई बजट। ट्वीट में लिखा, बीजेपी सरकार ने जन विरोधी बजट का एक दूसरा दशक पूरा करके बनाया एक शर्मनाक रिकॉर्ड। सेंचुरी प्लाई के कार्यकारी निदेशक केशव भजनका के ने बजट को देश के विकास के लिए जरूरी कहा। कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड में यूसीसी लाने की तैयारी पूरी। आज यूसीसी कमेटी सीएम धामी को सुबह 11 बजे के करीब यूसीसी ड्राफ्ट सौंपेगी। आज मनीष सिसोदिया की जमानत पे होगा फैसला। रेगुलर बेल मिलेगी या नहीं, इसी पर अदालत सुनाएगी आज फैसला।
आगामी लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी तैयार, दिल्ली की सभी 7 सीटों के लिए लोकसभा कोऑर्डिनेट्स के नामों की घोषणा की। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने 16 सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में डायलिसिस सेंटर्स का उद्घाटन किया, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की पहल की। जम्मू कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, शहीदों के नाम पर रखे जाएंगे 33 स्कूल कॉलेजेस और सड़कों के नाम। नावले में सीएम प्रमोद सावंत ने डॉक्टर फ्रांसिस्को लुईस गोब्स की प्रतिमा का उद्घाटन किया, कई मंत्री मौजूद रहे। मडगांव में सीएम प्रमोद सावंत ने निरीक्षण किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले तैयारियों का जायजा लिया। शरद पवार के पोते रोहित पवार से ईडी की पूछताछ, 10 दिन में दूसरी बार जांच एजेंसी ने दागे सवाल। रोहित पवार से पूछताछ के दौरान ईडी दफ्तर के बाहर एनसीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में पुलिस ने 5,12,00,000 रुपए कैश जब्त किया, 6 लोग गिरफ्तार हुए। हिमाचल प्रदेश के शिमला में ताजा बर्फबारी जारी, नवार घाटी के सामने आई तस्वीरें। शिमला में जमकर बर्फबारी से हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, स्वेचिंग घर में रंगी दिखी घाटी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में पर्यटकों ने ताजा बर्फबारी का आनंद लिया, सामने आई खूबसूरत तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश के मनाली में हो रही है भारी बर्फबारी, बीते 40 घंटों में 1.5 फीट से ज्यादा बर्फबारी का रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश के चंबा में डलहौजी में 2 दिन से जबरदस्त बर्फबारी जारी, 2-3 फीट से ज्यादा बर्फबारी हुई। कश्मीर के गुलमर्ग में सैलानी बर्फबारी के बीच स्लेज राइडिंग का मजा ले रहे हैं, लगातार बर्फबारी से पर्यटकों में खुशी की लहर है। बारामूला में कश्मीर घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी, प्रकृति ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। कश्मीर घाटी में बर्फबारी के बाद पुलवामा रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़, बर्फबारी के बाद ट्रेन से सफर का आनंद लेने निकले लोग। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से आई शानदार तस्वीरें, बर्फबारी के बीच दौड़ती दिखी रेल। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बिछी बर्फ की सफेद चादर, शहर में बड़ी शीतलहर। गंगोत्री और यमुनोत्री में भारी बर्फबारी, यमुनोत्री का न्यूनतम तापमान -13 डिग्री और गंगोत्री में न्यूनतम तापमान -9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। धर्मशाला के मैक्लोडगंज में भी स्नोफॉल, नड्डी में सुबह से जारी है बर्फबारी, कांगड़ा घाटी में बारिश। मसूरी के मॉल रोड पे भी बर्फबारी, मौसम की मस्ती में झूम उठे पर्यटक, स्नोफॉल का लुत्फ उठाया। लंबे समय के बाद टिहरी जिले में सीजन की पहली बर्फबारी, चिरबितिया इलाके में चारों ओर बर्फ की सफेद चादर। केदारनाथ में भी बर्फबारी से गजब का नजारा, शिव पार्वती विवाह स्थल त्रियुगी नारायण में भी गिर रही है बर्फ। बद्रीनाथ में बर्फबारी की शानदार तस्वीरें, 1.5 फीट बर्फ से हुआ भगवान बद्री विशाल के मंदिर का श्रृंगार। चक्राता के लोखड़ी समेत ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी से ठंड बढ़ी, बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक जुटे। लखनऊ के धनौल्टी से भी स्नोफॉल से कड़ाके की सर्दी, बर्फ से पहाड़ियां हुई गुलजार। मशहूर स्कीइंग रिजॉर्ट ओली में जबरदस्त बर्फबारी का दौर, 1 फीट मोटी बर्फ की बिछी चादर। वैष्णो देवी में भी सीजन की पहली बर्फबारी, भक्तों में दौड़ी खुशी की लहर। चंबा में लगातार बर्फबारी जारी, पांगी किलार आदिवासी इलाके में जमकर गिरी बर्फ।
लाहौल स्पीति में 3 फरवरी तक स्कूल और कॉलेजेस की छुट्टी, भारी बर्फबारी के चलते लिया गया फैसला। लद्दाख में द्रास विंटर कार्निवल की शुरुआत, जश्न फतेह कार्निवल की ओपनिंग सेरेमनी हुई। दिल्ली में ठंड का कहर जारी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ठंड और ठिठुरन से निपटते दिखे लोग। दिल्ली के दरियागंज में शीतलहर का प्रकोप, ठंड से बचने के लिए प्रयास कर रहे लोग। जयपुर में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का शुभारंभ किया, जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत, डिप्टी सीएम प्रिया कुमारी ने लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारंभ किया। चुरू में 7 जन्मों के बंधन में बंधे आईपीएस देवेंद्र और आईएसएस अपराजिता, खासौली गांव से भरतपुर गई बारात 1 रुपए और नारियल में शादी कर हेलीकॉप्टर से ससुराल विदा हुई आईएसएस दुल्हन। राजस्थान के प्रतापगढ़ को एक मंदिर में मिलता है पापों की मुक्ति का सर्टिफिकेट, श्रद्धालु पाप मुक्ति के लिए स्नान करने आते हैं, सरकारी कर्मचारियों का ट्रस्ट मोहर लगाता है। बोधगया के श्रीलंका जय श्री महाविहार में दर्शन के लिए रखे गए भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के अस्थि कलश दर्शन के लिए देश विदेश से उमड़े श्रद्धालु, अस्थि अवशेष को देख श्रद्धालु भावुक हुए। अयोध्या में सजावट का दौर जारी, हनुमानगढ़ी प्रवेश मार्ग पे लेजर लाइट लगाई गई, रोशनी से सराबोर प्रवेश मार्ग। ज्ञानवापी में व्यास गद्दी की पूजा होने पे कानपुर में भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने शिव मंदिर में पूजा की, शिव भक्ति में लीन दिखे नेता। किसान कारवां से किसानों ने सीखा कृषि से कैसे करें आमदनी दुगनी, जाने खेती किसानों के सही मायने। पिछले 12 नवंबर से बंद पड़े सिलक्यारा टनल में दोबारा से चहलकदमी शुरू, मिनिस्ट्री और NHIDCL के निर्देशों के बाद पोलगांव वाली साइट से काम शुरू। पुणे में बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप में बॉम्बे सैपर्स के युद्ध स्मारक शताब्दी के पुनर्मिलन समारोह का आयोजन हुआ, सेना प्रमुख मनोज पांडे ने परेड में भाग लिया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में इंडियन आर्मी ने गर्भवती महिला का रेस्क्यू किया, बर्फबारी के बीच फंस गई थी महिला। देहरादून में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी लोकसभा इलेक्शन ऑफिस का उद्घाटन किया, साथ ही उन्होंने ऑडिट विभाग की नई बिल्डिंग का शुभारंभ भी किया। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने मदरसों में रामायण पढ़ने का फैसला लिया, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग ने भी इसका समर्थन किया। पटना से अयोध्या के लिए आई डायरेक्ट फ्लाइट, यात्रियों का एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ। गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में बनेगा हाईटेक और स्मार्ट पुलिस स्टेशन, स्मार्ट पुलिसिंग पे होगा सरकार का जोर। मेघालय के सीएम संगमा ने ई व्हीकल्स को दिखाई हरी झंडी, वेस्ट कलेक्शन से बने ई व्हीकल्स। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा रंगघर ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के तहत भूमि पूजन में शामिल हुए। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन हॉल का उद्घाटन किया, अधिकारियों के साथ सुना अपना भाषण। सरायकेला में चंपाई सोरेन के घर जश्न का माहौल, परिजनों ने मिठाई बांटकर आतिशबाजी भी की। दिल्ली में अलग यूनिवर्सिटी के छात्रों को बजट के बारे में जानकारी दी गई, चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में छात्रों ने बजट देखा। दिल्ली में अभिनेता शाहिद कपूर और कृति सैनन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दोनों के साथ में आने वाली है फिल्म। एआर रहमान ने एआई से यूज की दिवंगत सिंगर्स की आवाज, विवाद बढ़ा तो सफाई दी, बोले सिंगर के फैमिली मेंबर से परमिशन ली थी। सड़क पे शूटिंग करते धनुष को देख लग गया जाम, तिरुपति में चल रही थी DNS की शूटिंग, श्रद्धालुओं के विरोध के बाद रोकी गई। रणबीर की तारीफ में बोली रश्मिका मंदाना, कहा रणबीर का महिलाओं का सम्मान करना मुझे पसंद है।
का कुलप्रीत सिंह और जैकी की शादी में लास्ट मोमेंट चेंज, मिडिल ईस्ट में करने वाले थे शादी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद बदला डेस्टिनेशन। आज से विशाखापट्टनम में खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट, रजत पाटीदार और कुलदीप यादव को मिल सकता है प्लेइंग 11 में मौका। दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने किया प्लेइंग 11 का ऐलान, मार्क वुड की जगह जिमी एंडरसन और जैक लीच की जगह शोएब बशीर को मौका। रविंद्र जडेजा की हैमस्ट्रिंग चोट निकली गंभीर, तीसरे और चौथे टेस्ट से भी हो सकते हैं बाहर। आईपीएल से एक्शन में आ सकते हैं ऋषभ पंत, कहा एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने कहा था 16 से 18 महीने बाद ही वापसी हो सकती है। हादसे के तौर को याद कर भावुक हुए ऋषभ, कहा डर गया था कि कहीं पैर काटना न पड़ जाए, ईश्वर ने मुझे दूसरी जिंदगी से नवाजा।